18 तारीख तक है, आज की डेट तक लास्ट है नहीं, विविधता का अमृत महोत्सव। अब देखते हैं इसके अंदर क्या होने वाला है, अभी तो हमें भी नहीं पता, चल के देखते हैं। कुछ स्टेडियम टाइप है, मैं दूर से कहता ना लाइटें लगी हुई, वही है। हाँ देखते हैं। और 11 तारीख तक की फ्री एंट्री, 4 दिन के लिए खुला हुआ था। कितनी तारीख से? 2 तारीख को तो खुला था कह रहे हैं, स्टेडियम टाइप से कुछ। 8 से 11 ये प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा अच्छा, पानी पीने के लिए? चलो बहुत देर होगी घूमते घूमते पानी पी लिया। नहीं पानी तो पी लिया। हाँ पानी पी के पेट भरा जाए, इतनी भीड़ लग रखी है बहुत ज़्यादा। चलो भाई सही है, यहाँ पे पानी पीने की भी सुविधा है सबके लिए, सभी लोग लगे हुए हैं इधर, कैन रखे हुए हैं, इतने सारी कैने रखी हुई, सही है, अच्छी बात है, होना भी सही है। पर ये हाल हो गया जूतों का, वाइट जूतों का यही सीन है, जितने बचाओ एक गंदे तो होंगे ही होंगे, चाहे कितने ही बचा लो। मेरे साथ हो ही गए, एक बचा है एक रह रहा है, हम मेरे गंदे हो गए, पैर रख रख के चढ़ जाते हैं। सेल्फ सर्विस, विजिट पास, रजिस्ट्रेशन, हेयर फॉर ये ना स्टाफ के लिए। अच्छा अच्छा, वीआईपी एंट्री एक तरह से, राष्ट्रपति भवन। देखते अंदर गाने, अंदर गाने भी चलते हैं। ये क्या है? बेल पत्थर, बेल पत्थर जैसा लग रहा है, मणिपुर वगैरह। ओ भाई सब मेघालय, हर जगह का अलग अलग है। अच्छा एक तरह से डांस है, सब अपने अपने परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं अपनी अपनी जगह के। ये कहीं है मेघालय की जगह के। देखते हैं अभी यहाँ पे क्या है, अंदर अंदर तरह तरह की चीजें हैं इनकी, मेघालय मेघालय वगैरह की जगह है ना, उधर मणिपुर का, पर इधर की साइड मेघालय साइड का है। इनका ड्रेसअप वगैरह क्या क्या चीजें इनकी दिखाते हैं भाई, ये देखो इनकी टोकरीज वगैरह, अभी यहाँ से दिखाते हैं कि पता नहीं क्या है, इनकी प्लेट्स वगैरह हैं, एक ऐसे बकेट टाइप है, इनके कवर ड्रेसिंग सेंस छोड़ते नहीं। हाँ अलग अलग तरह के हैं इनके। ज्यादातर लकड़ी वगैरह से बना है, हैंडमेड है। हाँ ये इनका पर्स, पर्स जैसा है, प्लेट्स वगैरह छेद है इसकी थाली में, इसकी इसकी थाली में छेद है। एक्सक्यूज मी, वो स्पून वगैरह देखते हैं फिर। अच्छे नुकसान मफलर जैसा कुछ है, बैग वगैरह। चीजें तो अच्छी बना रखी वैसे इन्होंने, रेंज भी हाई फाई होगी। हाँ पक्का। Everything you want to dream away. So we are legends. Every day. That's what you told me. Turn the magic off. You know, we said, Haga Banana. Rui said, Haga Banana. Every day. Every day. Every day. Every day. Every day. कुकुन से लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, बट एक्सप्लेन तो कर रहे हैं जैसे तैसे। कुकुन वगैरह से वो कुछ धागा वगैरह बना रहे, अब क्या करें जब समझ नहीं आ रहा था, पर वो एक्सप्लेन करने में लग रहे थे, उनके बंदे ने उनको यहाँ पे लगवाया होगा ना। अब आगे चलते हैं, ये मेघालय वालों का ड्रेसिंग सेंस वगैरह और उनकी चीजें। बेचारे सो रहे हैं। हाँ सो रहे हैं, पता इनने कोई खरीदेगा है।
क्या चीजें हैं वो देखते हैं। क्या चीजें? ये कैंडल है, मोतीचूर के लड्डू कैंडल। खाने जलानी पता नहीं है। वैसा अलग अलग तरह की क्या, कुल्लड़ वाली बर्फी और एक ही मोतीचूर के गुजिया, गुजिया वाली भी है भाई साहब। भाई मोतीचूर के लड्डू की कैंडल और ये काजू कतली की कैंडल, रोज कितने का? 450 रुपए का। क्या चीज ये? 450 रुपए का भाई साहब। घरवाले लग से मारे के ले जाते। तो इनकी खाने की चीजें क्या, अदरक टाइप है, पहाड़ी अदरक, पहाड़ी पहाड़ी अदरक, ब्लैक राइस। ये इनका खाने का कुछ सिस्टम है, समझ नहीं आ रहा। पता लग लगे ये तो अदरक जैसा कुछ लग रहा है। यहाँ गए, ये भी अदरक, बेर, ये भी। ओ भाई मुझे अच्छा लग रहा है, कृष्णा जी और राधा जी के ऊपर भी है। आंवला, मैं सोचा बेर है। ये तो हमारे यहाँ ही खूब है, सब सेम रेट है। ये महंगे देंगे, ये सोच रहे यहाँ नहीं मिलते। ये इनके टोपे, चार टोपे भी हैं। ये इनकी ज्वेलरी आर्टिफिशियल है। तो आज आपको यहाँ पर जो गुजरता था बहुत, और क्या आपके दिल में आ रहा है? ब्लैक मैजिक वाली सुलीप हुसैन, ब्लैक मैजिक वाली डॉल। शाम को भी तो आपको यहाँ पर अभी बहुत, वो देख भी दिया, वो मैं नहीं देख रहा दोस्तों। और दिस बहुत अभी हैंडमेड है, आज जो हमारा अभी पहुंचता है विविधता का अभी। ये क्या चीज है इनकी? हुक्का है तो आज रे भाई हुक्का, और चिलम का है इसकी। ओके तो अभी हमारे पास एक और जो स्टेज है यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस को कहते हैं, और इसकी सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि इसकी जो कलाकार है वो ड्रम लेकर डांस करते हैं, तो ड्रम के साथ डांस करें तो सही है, दिखाने का मजा नहीं आया। आ चुके भाई डांस करने, ढोलक बजाने का कौन सी जगह बता रहे हैं? मणिपुर के, मणिपुर, मणिपुर के ना, वही यहाँ पर बजेगा। तो आप इस परफॉर्मेंस का आनंद लीजिए मणिपुर में। मुझे लगता है फिर से एक बार आने जाएंगे तो मणिपुर तक जाकर पहुंचेगी दोस्तों। बहुत मुश्किल से आप आते हैं तो दूर क्षेत्र से मणिपुर के आए हुए हमारे कलाकार आज राष्ट्रपति भवन में अपनी वीआईपी एंट्रेंस है, वीआईपी जगह पर खड़े हो। क्यों दो नंबर से चलो भाई Thank you.
होता है। बड़ा यूनिक सा लग रहा है, मतलब 3D आर्ट है एक तरह का पूरा सा। ये आंटी ने बनाया था इसको, ये देखो 3D आर्ट बना हुआ पूरा, ये छोटे छोटे चप्पू तलवार से। 1800 रुपये का है वो, पता नहीं क्या चेपी वाली है। किड्स 150 रुपये की, 150 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये की। सभी पाँच आएंगे अपने। तो भाई यहाँ पे चाय मिल रही है, का अचार है मिजोरम वालों का, किस चीज़ का है, क्रिस्पी चिली स्नैक्स। प्राइस क्या लिखा है इस पर, प्राइस नहीं है, 50 रुपीज़ सही है। देखिए पता नहीं क्या है इसके अंदर, इमली इमली जी अंट्रुआ टेंगोली टाइप है। हाँ टाई फ्री 400 रुपये, टाई फ्री टी शर्ट के साथ टाई कौन पहनेगा। थ्री डी आर्ट्स वगैरह है, 1600 रुपये की बेल्ट। हमारे घर वाले ना सूट देंगे हमें बेल्ट 1600 रुपये की। ये थोड़ा अच्छा 350 रुपये का कुत्ता रोएगा। फोन के पीछे लगाने के लिए भाई ने लगाया 30 रुपये का। लंच ब्रेक, लंच पे गए हैं भाई बंदे, इनके आर्ट भी अच्छे लग रहे हैं वैसे, बॉल बॉल वाले डिजाइन वाले। ओके प्लीज इंकरेजिंग, आप जानते हो कि दे है अपना, देख लो 150 रुपये का कंघा के निर्देशन पे ये सारा कार्यक्रम, और ये नागालैंड रंबलिक स्पून्स वगैरह जैसे डाल जैसे होता है ना सोया का। अरे ये देखो घास फूस बिक रहा है, पीछे दो लड़कियां जा रही है, कह रही ये देखो घास फूस बिक रहा है। ये इनका मेन्यू है, खेती कल्चर, खेती कल्चर इनके अलग अलग तरीके के हैं। ये हनी है शायद, है ना, 1100 रुपये। ये क्या समझ नहीं आ रहा क्या है ना, ये देखो ना इनके कड़े हैवी है, लाइट है, ओके लाइट वेट ही है, ज्यादा वो भी नहीं है, लाइट वेट ही है ज्यादा, अच्छी अच्छी चीज है, लकड़ी से बनी हुई है, फूल वगैरह ये आर्टिफिशियल है भाई, पहचानो भाई क्या है जा, ये क्या चीज है, गांव में जो भैंसों को पहनाते हैं वही। हाँ नहीं वैसे कई जगह देखे गांव में भैंसों वगैरह को पहनाते, पर वो कहाँ से लेते हैं फिर, है कि नहीं।
950 क्या चीज स्लीपर्स हैं चप्पलें 950 की ये सॉक्स का प्राइस क्या है 200 है 950 लेकिन है ये बास्केट कितनी सही लग रही है इनकी ओके तो आपने सुन लिया कि 15 से कोई पीछे ड्रेसिंग सेंस थोड़ा वैसे क्लीन सा है शर्ट और फिर वो नीचे वो पहनते हैं ना धोती वगैरह ये थोड़ा फ्लावर्स वगैरह अच्छे मेरा बड़े रियल से लग रहे पर ये फोम से बने हुए हैं तो ये एक बड़ी बात हो रही है तो इसकी वजह से इसमें बहुत लग सकते त्रिपुरा वाली जगह पे त्रिपुरा वाले लोगों ने यहाँ पे बना अच्छी अच्छी चीजें लगा रखी है यहाँ पे अब देखते हैं ज्यादातर बैम्बूज वगैरह जो होते हैं ना उन उन उनकी चीजों से बना रखी है मतलब बांस वगैरह की चीजें होती है ना इस समय अभी पेड़ कितना अच्छा लग रहा है वाला देखो पूरा इलास्टिक सा लग रहा है एक गणेश जी की लग बना रखी है उन्होंने मूर्ति अच्छा लग रहा है ये कितनी कलरफुल सी त्रिपुरा वालों ने कर रखा है घड़ी आ गई भाई लकड़ की घड़ी ओ भाई ये हाथ से बना रखा है कमर में बांधी जाएगी तो नहीं हाथ में थोड़ी बंधेगी वो कमर में बंधेगी ट्रक बना रखा छोटे फुल मेमोरी भर गई यार दो पार्ट में कन्वर्ट हो गई एक पूरा मुगल गार्डन और एक दूसरी